Sadhu implements transforming Indian agriculture. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर साधु इम्प्लीमेंट संगरिया। आज आपके लिए लेके आए हम डिस्क रीजर, जिसको डोलर भी बोलते हैं, बेड मेकर बोलते हैं, डोल मेकर बोलते हैं, जिंदरा बोल देते हैं। तो आओ इसके बारे में आपको आज जानकारी दें, ये क्या क्या कुछ लगता है इसमें, कौन सा तवा लगता है, कौन सा बैरिंग लगता है, कितना वजन होता है और कौन कौन से मॉडल में बनता है। इसमें हम दो तरह के बनाते हैं, एक तो हैवी ड्यूटी और एक लाइट ड्यूटी। पहले हम आपको लाइट ड्यूटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये लाइट ड्यूटी है जी, ये इसका जो वेट है वो 150 kg आता है और ये सिंगल पौडे में आता है। सिंगल पौडे का मतलब ये इसमें डंडा लगा होता है, ये रोड लगी होती है ट्रैक्टर को जोड़ने के लिए, ये रोड लगी होती है। इसका जो फ्रेम आता है, जो पाइप आती है, वो पाइप का होता है, वो 4 inch पाइप का लगा होता है, 4x4 की पाइप आती है ये, उसका बना होता है। और जो इसमें हब आती है, हब इसमें आती है 535 नंबर बैरिंग की, और ये जो हैरो में 16, 18, 20 में यूज़ होती है वो वाली हब लगती है इसमें। और जो इसका तवा आता है, तवा आता है जी 26 inch, इसका 26 inch तवा होता है और ये 150 kg इसका वजन हो जाता है। और जो तवे का वेट होता है वो 14.5 kg हो जाता है। ठीक है जी, ये तो आ गया जी लाइट ड्यूटी 150 kg में। और उसके बाद ये वाला आता है हैवी ड्यूटी में, इसका वजन 190 kg के आसपास पड़ता है, 190 kg 95 kg के आसपास पड़ता है। इसका जो फ्रेम है मेन, वो 5 inch पाइप का बना होता है, 5x5 की। ठीक है जी, जो इसका लिंकेज वाला सिस्टम है वो डबल होता है जी, मतलब यहाँ पर जैसे रूटावेटर की वो गुल्ली डाल के पिन डाल के सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है जी इसका में। उसमें सिंगल पौडा था, इसमें डबल पौडा है। और इसका तवा भी सेम 26 inch होता है, वही हब 535 नंबर वाली हब होती है। पर ये सारा टोटली जो कटिंग है ये CNC प्लेट कटिंग में आता है, जैसे इसकी लिंक आ गई सारी इसकी CNC कटिंग में आ गई, इसका जो डबल पौडा आ गया वो भी इसका कटिंग में आ जाता है, इसके हब के जो जो छः सिस्टम आ गया वो भी कटिंग में आ जाता है। और जो इसका मूवमेंट वाला एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है वो वोल्टेज में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको अगर इसका थोड़ा सा इसको अगर खुला हो या भिड़ा करना है तो इसको आप इस सुराखों से कर सकते हैं, इसको घुमा भी सकते हैं, इसको आप नज़दीक भी कर सकते हैं, इसको पास भी कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें एडजस्टमेंट होती है। और इसका वज़न 190 kg होता है और उसका वज़न आता है 150 kg। और ये इनका साइज है, ये इनका वज़न है और ये इनका वेट है। और जो इनकी रेट की बात करें वो तो पड़ता है जी 18,000 का, वो तो 18,000 का पड़ता है, और ये पड़ता है सर 22,000 का। और ये इनका लुक देख सकते हो आप इनकी, ये कैसे बने हैं, कैसे क्या कुछ होता है इनके पीछे, इनके स्टैंड लगा होता है इनको रोकने के लिए, खड़ाने के लिए। दोनों में सिस्टम है इसको एडजस्टमेंट करने का, इसमें ये सिस्टम दिया होता है और उसमें वो सिस्टम दिया होता है, ये चीज़ है जी इन दोनों में।